सवाल यह कि क्या राजस्थान में हो रही है भील प्रदेश की आहट। कल विधानसभा के सदन में भील प्रदेश का नाम गूंजता रहा। तीन विधायकों ने जय भील प्रदेश के नारे लगाए, राजकुमार रोत, उमेश कुमार और थावरचंद। बीएपी की ओर से ये नारे लगे हैं, क्या सदन में किसी का इस पर ध्यान गया, सवाल ये भी। और क्या आने वाले दिनों में भील प्रदेश एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्या ये तीन लोगों की आवाजें पूरे राजस्थान की आवाज बनेगी। राजकुमार रोत बोल रहे हैं कि हमारी अलग भील प्रदेश बनाने की मांग है, राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इससे पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बन चुका, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बन चुका, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन चुका। अब देखिए कि प्रदेशों का जिस तरह से बंटवारा हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड भी बना, लेकिन अब मांग हो रही है कि राजस्थान जैसे एक बड़े राज्य के भीतर भील प्रदेश बने, भील प्रदेश को अलग किया जाए, भील प्रदेश बनाने की मांग अब उठने लगी है। तो ऐसे में ये जो जय भील प्रदेश के नारे तीन विधायकों की ओर से लगे हैं, क्या इसे सीरियसली लिया जाता है, क्या इस पर ध्यान दिया जाता है, क्या इसकी गंभीरता पर कभी विचार किया जाएगा और क्या ये वर्तमान सरकार के लिए लाभदायी होगा, इस पर सोचना जरूरी है। तो आप देखिए कि आज 16वीं विधानसभा को स्थायी अध्यक्ष भी मिलने वाला है, वासुदेव देवनानी निर्वाचित स्पीकर होंगे, पहले विधायकों की शपथ होगी और उसके बाद ही सदन में एक के बाद एक प्रस्ताव रखे जाएंगे, अनुमोदन होगा और उसके बाद सदन के नेता के निर्वाचन पर सभी उन्हें बधाई देंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, आपने बताया था कि क्या प्रक्रिया होती है, यूरोप से इस प्रक्रिया को लिया गया और फिर उसके बाद ऐसी ही प्रक्रिया आज के दिन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस यूरोप के कल्चर के साथ हमें एक भारतीय संस्कृति का पुट भी देखने को मिलने वाला है। 3:25 पर ही देवनानी कुर्सी पर बैठेंगे, यानी शुभ मुहूर्त, विशेष मुहूर्त। बिल्कुल, वासुदेव देवनानी आज 16वीं विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। खास बात यह है कि सर्वसम्मति के साथ में देवनानी अध्यक्ष बनेंगे, जिसके लिए कल पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व सचेतक रहे जोगेश्वर गर्ग लगातार सक्रिय भी दिखाई दिए थे। अलग अलग नेताओं की सीट पर जाकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने बातचीत की, सहमति बनाई और प्रस्ताव और अनुमोदन कराए। तो उस अनुमोदन के बाद में आप देखिए स्थिति यही है कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, आरएलडी निर्दलीय, सदन का प्रतिनिधित्व करने वाली, सदन में नुमाइंदगी करने वाले जो सभी पार्टियां और निर्दलीय लोग हैं, उनकी तरफ से इस प्रस्ताव में अनुमोदन भी किया गया है, सहमति भी दी गई है और इसी के साथ देवनानी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है। जहां तक भारतीय संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, तो मुहूर्त के साथ में वासुदेव देवनानी स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे। सदन में 8 विधायकों की शपथ होनी है और जिसमें आज बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और ऐसे में 2:30 कार्यवाही शुरू होगी, उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर 3:25 में ज्यादा समय रहता है तो सदन की कार्यवाही 10-15 के लिए स्थगित की जा सकती है, उसके बाद सदन फिर जुटेगा 3:20 पर और फिर वासुदेव देवनानी को स्पीकर की। शशि मोहन, आज संबोधन किन किन का होना है? आज संबोधन सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होना है और अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वासुदेव देवनानी आभार जताएंगे, उनका संबोधन होना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, निर्वाचित स्पीकर वासुदेव देवनानी सभी का आभार जताएंगे और जैसा कि मेरे सहयोगी शशि मोहन बता रहे थे अभी कि 2 संबोधन होंगे। सबसे पहले सदन के नेता का संबोधन होगा, ज्यादातर सदन का नेता वही होता है जो मुख्यमंत्री होता है, एक्सेप्शन से अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री का संबोधन और उसके बाद स्पीकर।